इवेंट अप्रैल 2024 को वो होने वाला है जो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल 2024 को होने वाले सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं है, ये सूर्य ग्रहण 54 सालों में सिर्फ एक बार होता है। यानी ये बहुत हद तक चांस है कि आप अपने लाइफ में इसे सिर्फ एक बार ही देख पाएंगे। ये सूर्य ग्रहण इससे पहले 1970 में हुआ था और अगली बार 2078 को होगा। पर ये सूर्य ग्रहण 54 सालों में सिर्फ एक बार ही क्यों होता है, जबकि नॉर्मल सूर्य ग्रहण एक साल में 5 बार तक होता है। दरअसल जब चांद 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य के सामने से निकलेगा, तब साउथ अमेरिका में ये पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पूरे साउथ अमेरिका में सूरज के सामने चांद के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगा वो 185 किलोमीटर तक चौड़ा होगा। ये मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में पड़ेगा। लगभग 100 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताया है कि ये सूर्य ग्रहण 11:07 में नजर आएगा। जब चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा तो अमेरिका में दिन के समय रात का नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत से उतना दिखाई नहीं देगा, पर इस ग्रहण का सबसे बड़ा असर जानवरों पर दिखाई देगा। 2017 में हुए ग्रेट अमेरिकन एप्लिक्स के दौरान एक स्टडी की गई थी। इसे कॉर्नल यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने किया था, जिससे ये पता चला कि सूर्य ग्रहण का इफेक्ट जानवरों और पक्षियों में भी पड़ता है। पक्षी और जानवरों के पास घड़ी तो होती नहीं है, इसीलिए ज्यादातर पक्षी और जानवर दिन के रोशनी और रात के अंधेरे के हिसाब से अपना काम करती है। लेकिन ये जानवर और पक्षी दिन के समय अंधेरे होने के कारण परेशान हो जाएंगे। खैर, ये तो 8 अप्रैल 2024 को ही पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। I think the girls with their nails done now.